पूर्णिया केनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भुटहा मोड़ वन भाग में बन रहे मेडिकल कॉलेज को कुछ लोगों के द्वारा टारगेट किया जा रहा है और कॉलेज के संचालक डॉक्टर इरशाद खान से रंगदारी की मांग की जा रही है। इस संदर्भ में डॉक्टर इरशाद खान ने केनगर थाना में लिखित शिकायत कर दी है, जिसमें सुखनगर निवासी महेश सिंह को आरोपी बनाया गया है। इरशाद खान ने दिए गए आवेदन में आरोप लगाया है कि महेश सिंह उससे 50 लाख रुपये रंगदारी की मांग की थी, नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी उनके द्वारा दिया गया था और जब उन्होंने रुपये नहीं दिया तो रातों रात उनके कॉलेज में बने सड़क को कबाड़ दिया गया। डॉक्टर इरशाद खान को यकीन है कि कारनामा निसंदेह सुखनगर निवासी महेश सिंह के ही द्वारा किया गया है और पुलिस में बार बार शिकायत करने के बावजूद भी महेश सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रात में महेश सिंह और उसका भाई प्लस 20-25-30 आदमी लेके क्रिमिनल को लेकर आया। रात में 12 बजे सब गार्ड उड सोया हुआ था, मौसम खराब था, 2 जेसीबी लाके पूरा रात में 12 बजे से 4 बजे तक कोड़ के चला गया। और ये संस्था का जमीन है, अभी 23 सितंबर को SDO साहब, DSP साहब, CO साहब, थाना प्रभारी भी आए, यहाँ बैठ के सब देख के गए हैं। मामला SDO साहब के पास है, DM साहब ने दिया है कि देख के जो विवाद है ख़त्म करिए। वो दो बार हम लोग का नापी किया, मार्च में 21 में नापी कराया गया है सीमांकन अंचलाधिकारी द्वारा। तो SDO साहब बोले कि अगर इन लोगों को कोई दिक्कत है तो हम दोबारा आप लोग दोबारा करा लीजिए सीमांकन, नापी करा लीजिए, तीन गोमिन से करा देते हैं। हमसे 23 तारीख को यहाँ से विजिट करके गए, SDO साहब बुलाए, हमसे पेपर मांगे, हम अपने सब सारा पेपर उनको दे दिए और बीच में मिलने गए तो बोले 3-4 दिन रुक जाइए, हम अमीन सबको सेट करके मजिस्ट्रेट बहाल करा के नापी करा देते हैं और सब बाउंड्री नापी के बाद आपका बाउंड्री हो जाएगा। हमने रोक दिए। ये मैंने संडे रात का घटना है, ये लोग 12-1 बजे रात में आया, बरसात का मौसम था, यहाँ जो मुंशी गार्ड रहता है सब सोया हुआ था, 12 बजे रात में आके पूरा 2 CCTV लेके इस तरह से आपराधिक काम किया। पहले भी लोग आके 9 सितंबर को यहाँ स्टाफ सबको मारा है, गाली गलौज किया है, बोल के गया है। कैसे क्यों, जब कोई देखा ही नहीं तो कैसे कर सकते वही किया है? नहीं, 9 सितंबर को आके दिन में लेबर मिस्त्री को मारा है, उसके बाद ही लोग को बोला कि मालिक को बोलो इतना पैसा देगा नहीं तो कॉलेज को बंद करा देंगे, खंडर बना देंगे। हम जब गाड़ी से वहाँ हमको सूचना मिला, हम आए, हमको भी रास्ता में बोला है तो उसका FIR हमने थाना में दर्ज कराया है। फिर ये लोग 20 सितंबर यहाँ आके लेबर मजदूर को मारपीट किया, उसका भी सूचना हमने थाना में भेजे हैं और थाना को जो है वहाँ भेज भी दिए हैं और थाना को बायोरजिस्ट्री भी भेज दिए हैं। SP साहब से भी जाके मिले, इस तरह का घटना हो रहा है। रंगदारी नहीं देने के कारण अब उन लोग का मनोबल केस उसको अगेंस्ट में लिख के दिए, थाना कार्रवाई नहीं किया, जिसके चलते उन लोग का मनोबल बढ़ गया, ये कार्रवाई किया। क्यों, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई करती? अब ये तो पुलिस ही बताएगा ना, हम तो पुलिस से मिले, DSP से मिले, SDSP से मिले, DSP से भी मिल के बताए हैं, SP साहब ने भी बोला, लेकिन वहाँ एगो FIR रजिस्टर्ड नहीं होता है, FIR भी नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है। 3 बार FIR रजिस्टर्ड नहीं, कल चौथा बार घटना किया, फिर दिए, पता नहीं रजिस्टर्ड हुआ कि नहीं। कौन थाना का मामला है सर? के नगर। थाना प्रभारी गंभीरतापूर्वक नहीं ले नहीं रहा। थाना प्रभारी गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है, अपना ड्यूटी नहीं कर रहा है, इसके चलते इतना बड़ा घटना घटा है। इसमें थाना का ही संलिप्तता है, थाना के संरक्षण में, थाना के संरक्षण में ये काम हो रहा है। जब भी जाते हैं थाना में बैठा रहता है वो लोग। इस संदर्भ में महेश सिंह ने कहा कि इरशाद खान से सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि करीब 1 दर्जन लोगों का जमीनी विवाद चल रहा है, किंतु इरशाद खान केवल उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, जबकि उन्होंने इरशाद खान से न तो रंगदारी मांगी है और न ही किसी तरह की धमकी ही दी है और इस तरह के मामले में उनके द्वारा बेवजह उसे टारगेट किया जा रहा है, जो कहीं से उचित नहीं है। और इरशाद खान का तमाम आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद और बिना आधार का है। ये बिल्कुल गलत बात है, उनके कॉलेज से हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। कॉलेज के बगल में ज़मीन है जो हमारी ज़मीन है, हम उसमें हमारे रिलेटिव्स की ज़मीन है। अभी उस वो काफ़ी पुराना विवाद चल रहा है, कोर्ट में मामला है, 3-4 टाइटल सूट उस पर चल रहा है, 144 अभी उस पर लागू है। डॉक्टर साहब पिछले 2 महीने से किसी भी, मतलब 44 रहते हुए ज़मीन पर जबरन काम कर रहे हैं।
थाना को हमने इसकी सूचना दी, एसडीओ साहब को बताया, डीएसपी साहब को बताया, एसपी साहब को आवेदन दिया गया, सब जगह आवेदन दिया गया है कि भाई 144 रहते हुए वो निर्माण कार्य कर रहे हैं। कह रहे कि आप रात के अंधेरे में गए? नहीं, गलत बात है, उनका सीसीटीवी उनके पास लगा हुआ, वो देखा जाए, उसको छान अगर खंगालिए प्रशासन तो दिख जाएगा काम कौन कर रहा है। उनका कहना है कि आप रात के अंधेरे में जा? नहीं नहीं, ये सब गलत बात है, हम लोग दिन में जाके रोकते हैं, या दिन में नहीं जा पाते हैं तो रात के अंधेरे में कहाँ जाएंगे, काम तो वो कर रहे हैं 144 रहते हुए। एक्चुअली उनके चौधरी में काफ़ी लोगों से उनका विवाद, एक भी लोगों से उनका अच्छा रिश्ता नहीं है, और हमें लगता है 10-12 लोगों से वहाँ पर उनको विवाद चल रहा है इसी ज़मीन के लेकर। तब कौन क्या किया ये तो हम नहीं बता सके, तो जाँच का विषय। लेकिन इस एफआईआर में तो आप ही का नाम दिया है? वो बार बार सब चीज़ में मेरा ही नाम लेते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई ना सूचना है ना कोई जानकारी। 8-10 लोग हैं वहाँ पे जिनसे उनका विवाद चल रहा है, कोई किया होगा हो सकता है, ये हमारा इसमें कहीं से कोई हस्तक्षेप नहीं। बहरहाल यह मामला पुलिस में है और दोनों पक्षों का कहना है कि पुलिस जाँच कर दोषियों पर कार्रवाई करे, और जाँच में वे लोग पुलिस को सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। किंतु इसके बावजूद भी पुलिस इस मामले को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रही है, जिसके कारण मामला किसी भी समय और भी ज्यादा बिगड़ सकता है।